डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी मच गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एज ऑल ऑफ यू नो दैट कि हम लोग आज जैसा कि आप सब जानते हो कि हम लोग इलेवंथ बिजनेस स्टडी सी बी एस ई सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा जो है यूनिट फर्स्ट चल रहा है इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस इसमें एक काफ़ी कुछ बड़ा पोर्शन हम कर चुके हैं लास्ट टाइम मैंने जो आपसे इसमें डिस्कस किया था दैट वॉज अपॉन क्लासीफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इसके अंदर मैंने आपसे डिस्कस किया था कि बिजनेस एक्टिविटी को हमने दो पार्ट में डिवाइड करते हैं इंडस्ट्री एंड कॉमर्स और इंडस्ट्री वाला पार्ट मैं आपसे कंप्लीट कर चुका था इंडस्ट्री मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्री क्या होती है उसमें कैपिटल गुड्स कंज्यूमर गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स की इंडस्ट्री क्या होती है फिर मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्री तीन तरह की होती है दैट इज़ की प्राइमरी इंडस्ट्री देन सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री तो माई डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने पोर्शन कम्प्लीट कर चुके थे हम लोग तो आज हम दूसरा पार्ट करेंगे बिजनेस एक्टिविटी का मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि बिजनेस एक्टिविटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था वन वाज इंडस्ट्री सेकेंड वाज कॉमर्स इंडस्ट्री का पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं राइट नाउ टूडे वी शल स्टार्ट दैट इज कॉमर्स पहली बात तो ये कि कॉमर्स होता क्या है राइट right? तो पहले मैं आपको कॉमर्स का मीनिंग बताऊंगा, फिर हम उसके बाद इसमें से इसम इसको आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे द तो फर्स्ट कॉमर्स रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटी विच आर एंगेज्ड इन द रिमूवल ऑफ हिंड्रस ऑफ पर्सन प्लेस टाइम रिस्क फाइनेंस एंड इंफॉर्मेशन इन द एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटीज अगर हम कॉमर्स की बात करते हैं तो कॉमर्स में वो सभी एक्टिविटीज इंक्लूड की जाती हैं मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कॉमर्स में वो सभी एक्टिविटीज इंक्लूड की जा सकती कॉमर्स के अंदर वो सभी एक्टिविटीज इंक्लूड की जाती हैं जो कि गुड्स की एक्सचेंज प्रोसेस के अंदर कॉमोडिटी के एक्सचेंज प्रोसेस के अंदर पर्सन uh, से रिलेटेड प्लेस से रिलेटेड टाइम से रिलेटेड रिस्क से रिलेटेड फाइनेंस से रिलेटेड एंड इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारे आती हैं उन सभी को रिमूव करने में हेल्प करती हैं उन सभी को रिमूव करने में हेल्प करती है मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि कॉमर्स में वो सभी एक्टिविटीज़ इंक्लूड की जाती हैं जो कि गुड्स के एक्सचेंज प्रोसेस में मतलब सेल परचेज के अंदर जो हमारे छः तरह की रुकावटें आती हैं उनको क्षेत्र की जैसे कि पर्सन से रिलेटेड प्लेस से रिलेटेड टाइम से रिलेटेड रिस्क से रिलेटेड फाइनेंस एंड इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो रुकावटें आती हैं प्रॉब्लम्स आती हैं उनको दूर करने में जो भी एक्टिविटीज हम इंक्लूड करते हैं जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं वो सारे के सारे हमारी कॉमर्स के अंदर आती हैं कॉमर्स को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है वन इज ट्रेड एंड सेकेंड इज ऑक्सिलरी टू ट्रेड माई डियर स्टूडेंट ये ऑक्सिलरी वर्ड है ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक कि व्यापार ट्रेड का मतलब व्यापार एंड ऑक्सुले टू ट्रेड मतलब व्यापार में सहायक राइट right? तो ऑक्सिली ट्रेड को एड्स ए आई डी एस एड्स टू ट्रेड भी लिख सकते हो या फिर इसकी जगह हेल्प्स टू ट्रेड भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो माई डियर स्टूडेंट्स द कॉमर्स कैन बी सब डिवाइडेड इंटू टू पार्ट दैट इज ट्रेड एंड ऑक्सिली टू ट्रेड आज की इस वीडियो के अंदर हम इसको बड़ा डिटेल से करेंगे दोनों ही टॉपिक्स को हम डिटेल से करेंगे तो फर्स्ट लेटेस्ट टॉक अबाउट द ट्रेड ट्रेड रेफर्स टू द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद प्रॉफिट मोटिव आप सबको पता है ट्रेड क्या होते हैं ट्रेड इज अ परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज परचेज क्या है गुड्स और सर्विसेज को सेल और परचेज करना है किस लिए ताकि हम लोगों से प्रॉफिट कमा सके ठीक है जी इसको हम बोलते हैं ट्रेड अब ट्रेड को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है एक होता है होम ट्रेड और एक होता है फॉरन ट्रेड होम ट्रेड का मतलब क्या है होम ट्रेड जो है वो एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर अंदर जो व्यापार किया जाता है उसको हम बोलते हैं होम ट्रेड और जो व्यापार कंट्री की बाउंड्री से बाहर किया जाता है उसको हम बोलते हैं फॉरेन ट्रेड मैं थोड़ा सा इसको और एलोबरेट कर देता हूं होम ट्रेड को भी हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं दैट इज लोकल लोकल ट्रेड 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 स्टेट स्टेट और इंटर का मतलब क्या है कि जब कोई व्यापार किसी एक डिस्ट्रिक्ट तक जैसे मान लो हम करनाल डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो जब व्यापार सिर्फ एक करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर अंदर हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे लोकल ट्रेड बोलेंगे ठीक <coughs> है जी इसके बाद आता है स्टेट ट्रेड स्टेट ट्रेड के अंदर क्या होता है जब एक डिस्ट्रिक्ट से व्यापार एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बीच में किया जा सकता है लेकिन वो एक स्टेट के अंदर है जैसे कि हरियाणा के अंदर मान लो हम करनाल में रहते हैं और करनाल से कुरुक्षेत्र के कुरुक्षेत्र के बीच में व्यापार हो रहा है मतलब दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में व्यापार हो रहा है या करनाल से यमुनानगर के बीच में व्यापार हो रहा है करनाल से पानीपत के बीच में व्यापार हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे दैट इज स्टेट ट्रेड क्योंकि दो स्टेट सॉरी इसको हम बोलेंगे स्टेट ट्रेड क्योंकि दो डिस्ट्रिक्स के बीच में लेकिन एक ही एक ही आ, लेकिन एक ही एक ही स्टेट के अंदर हो रहा है ठीक है इसको बोलेंगे स्टेट ट्रेड एक स्टेट की बाउंड्री में हो रहा है लेकिन दो डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में हो रहा है इसके बाद हम बोल तीसरा आता है होम ट्रेड के अंदर ही दैट इज इंटरस्टेट ट्रेड जब जब एक ही देश की डिफरेंट स्टेट्स एक ही कंट्री की डिफरेंट स्टेट्स के बीच में व्यापार होता है मान लो हरियाणा और पंजाब के बीच में व्यापार होना हरियाणा और यूपी के बीच में व्यापार होना हरियाणा और उत्तराखंड के बीच में व्यापार होना इट इज़ कॉल्ड स्टेट ट्रेड राइट तो उसको हम क्या बोलते हैं ये सभी तीन ये पार्ट किसके हैं होम ट्रेड के इसी तरह फॉरेन ट्रेड के बारे में मैंने बताया कि जब व्यापार दो कंट्रियों के बीच में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं फॉरेन ट्रेड अब फॉरेन ट्रेड के भी तीन टाइप्स हैं दैट इज़ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड एंट्रापोर्ट बड़ा आसान है इम्पोर्ट का मतलब जब मालिजम जैसे इंडिया में रहते हैं जब हम सामान किसी दूसरी कंट्री से हमारे इंडिया में मंगवाते हैं तो उसको हम बोलते हैं इम्पोर्ट जब हम सामान यहाँ इंडिया से किसी दूसरी कंट्री के अंदर सामान भेजते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट ठीक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का सामान समझ में आ गया इसके बाद होता है एंट्रापोर्ट एंट्रापोर्ट में क्या होता है कि जब सामान किसी दूसरी कंट्री से मंगवाया मान लीजिए हमने सामान मंगवाया अमेरिका से और बाहर की बार वो सामान हमने किया कि अमेरिका से मंगवाकर रूस में भेज दिया राइट तो इस तरह के सिस्टम को इस तरह की सिचुएशन को हम लोग नाम देते हैं एंट्रापोर्ट को होपफुली होम ट्रेड एंड फॉरन ट्रेड इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू राइट नाउ लेट लेटेस्ट टॉक अबाउट द ऑक्सली टू ट्रेड कॉमर्स के दो पार्ट बताए थे मैंने आपको एक बात एक बताया था ट्रेड दूसरा बताया था ऑक्सली टू ट्रेड अब माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा सा ऑक्सिलरी टू ट्रेड को डिफाइन करने से पहले आपको बताता हूँ कि सेल एंड परचेज के बीच में नियर बाई सिक्स टाइप्स की प्रॉब्लम सिक्स टाइप्स की प्रॉब्लम आती हैं उन सिक्स टाइप्स की प्रॉब्लम कौन कौन सी आती हैं वो आती हैं प्रॉब्लम रिलेटेड टू पर्सन प्रॉब्लम रिलेटेड टू प्लेस तीसरी है प्रॉब्लम रिलेटेड टू टाइम फोर्थ है प्रॉब्लम रिलेटेड टू रिस्क फिफ्थ है प्रॉब्लम रिलेटेड टू फाइनेंस और सिक्स हम आती आती है प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन बाइंग और सेलिंग की एक्टिविटी के बीच में सेल और परचेज की एक्टिविटी के बीच में या आप कह सकते हो कि ट्रेडिंग की एक्टिविटी के बीच में नियर बाई सिक्स तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं या सिक्स तरह की रुकावटें आती, है, आती हैं सिक्स टाइप्स की हिंड्रेंसिस आती हैं राइट उनको दूर करने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या है ऑक्सलरी टू ट्रेड है अब हम आते हैं ऑक्सलरी टू ट्रेड इट रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू ओवरकम द हर्डल्स अपीयरिंग इन द वे ऑफ ट्रेड देखिए इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे हम उन सब एक्टिविटीज को इंक्लूड करते हैं जो कि स्पेशली ली जाती हैं किस लिए ली जाती हैं कि जो ट्रेड के काम को करने में हमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको दूर करने के लिए जो एक्टिविटी की जाती हैं उसको हम क्या करते हैं उसको हम क्या कहते हैं ऑक्सिलरी टू ट्रेड कहते हैं और अभी मैंने आपको बताया कि ट्रेड में छः तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं रिलेटेड टू पर्सन रिलेटेड टू प्लेस रिलेटेड टू टाइम रिलेटेड टू रिस्क रिलेटेड टू फाइनेंस एंड रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन तो इनके सोल्यूशन किस में होंगे हमारे पास हमारे पास इसमें सोल्यूशन किस में है ये सोल्यूशन हमारे पास आते हैं ऑक्सिलरी टू ट्रेड के अंदर मैं आपको वन बाय वन थोड़ा थोड़ा क्लियर कर देता हूँ जैसे कि हिंड्रेस ऑफ पर्सन जो पर्सन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो मिडलमैन सॉल्व करता है जो प्लेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सॉल्व करता है जो टाइम से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो वेयर हाउसिंग सॉल्व करते हैं जो रिस्क से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो इंश्योरेंस सॉल्व करते हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो बैंक सॉल्व करते हैं जो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो एडवर्टाइजमेंट सॉल्व करते हैं तो लेटेस्ट डिस्कस ऑल दिस टाइप्स कि जो ऑक्सिलरी टू ट्रेड है उसमें छह तरह की एक्टिविटीज़ इंक्लूड करते हैं सबसे पहला है मिडलमैन माई डियर स्टूडेंट आप देखिए मिडलमैन का भी एक बहुत बड़ा रोल है जो रिलेटेड टू पर्सन है वो सारी प्रॉब्लम जो, वो middleman है।, fact, जो है वो मिडिल मैन ही सॉल्व करता है इनफैक्ट नंबर ऑफ जो प्रोड्यूसर हैं वो लिमिटेड हैं नंबर ऑफ़ प्रोड्यूसर जो वो बहुत थोड़े हैं लेकिन नंबर ऑफ कंज्यूमर जो हैं वो अनलिमिटेड है अनलिमिटेड बहुत सारे हैं अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि एक कंपनी वाला एक प्रोड्यूसर जो है वो हर तरह के कंज्यूमर को अप्रोच नहीं कर सकता लेकिन वो चाहता है कि अपने हर तरह के कंज्यूमर को अपनी गुड्स प्रोवाइड करें जितने भी कस्टमर हैं और जो उसकी गुड्स ले सकते हैं जो उसके पोटेंशियल बाहर है उन सब तक वो अपना सामान पहुंचाना चाहता है <coughs> प्रोड्यूसर पहुंचाना चाहता है ताकि उसकी सेल ज़्यादा हो उसका प्रॉफिट ज़्यादा हो लेकिन वो हर एक को अप्रोच नहीं कर सकता तो कम प्रोड्यूसर क्या करता है कुछ मिडल मेंस को अपॉइंट कर देता है मिडिल मैन जैसे होल सेलर को रिटेलर को एजेंट्स को वो हेल्प करते हैं प्रोड्यूसर की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पीपल्स तक उसके सामान को पहुंचाने में मतलब जहां प्रोड्यूसर जो है वो अपने सामान को नंबर ऑफ कस्टमर्स तक पहुंचाना चाहता है तो उसके लिए मिडल मैन की हेल्प ली जाती है ये मिडल मिडलमैन कंपनी के सामान को प्रोड्यूसर के गुड्स को हर कस्टमर तक पहुँचाने की जो भी पोटेंशियल कस्टमर है उन तक पहुँचाने का, का काम करते हैं तो ये प्रॉब्लम किसी ने सॉल्व करी मिडलमैन ने दूसरा पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन आप देखिए ट्रांसपोर्टेशन क्या करती है देखिए मान लो सामान बन रहा है वेस्ट बंगाल के अंदर कैलकटा के अंदर सामान बन रहा है तमिलनाडु के अंदर सामान बन रहा है केरला के अंदर लेकिन कंज्यूम क्या हो रहा है हरियाणा में पंजाब में तो वहाँ का सामान हरियाणा तक कैसे पहुँचेगा इट इज़ वेरी टफ प्रॉब्लम इट इज़ वेरी टफ टास्क तो ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन चैनल्स क्या करते हैं जहाँ भी ऑल ओवर कंट्री में जहाँ भी सामान प्रोड्यूस हो रहा है वो वहाँ से सामान को पिक करके उठाकर उस जगह पर पहुँचाते हैं जहाँ पर सामान को कंज्यूम किया जा रहा है इसे दोनों को फायदा है कंज्यूमर को उसका रिक्वायर्ड सामान मिल रहा है और प्रोड्यूसर अपने सामान को सेल इजिली कर पा रहा है तो ये प्रॉब्लम किसने सॉल्व करी ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन में थर्ड पॉइंट हमारे इसमें आता है दैट इज थर्ड पॉइंट हमारा इसमें आता है दैट इज वेयर हाउसिंग अब वेयर हाउसिंग क्या है नॉर्मली देर इज अ गैप बिटवीन द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड टाइम ऑफ कंजप्शन ऑफ गुड्स कि गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में और गुड्स की कंजप्शन में डिफरेंस होता है सेम टाइम पे प्रोडक्शन और सेम टाइम पर कंजप्शन नहीं होती इनफैक्ट होता क्या मैं है मैं बताता हूँ थोड़ा सा एक्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने कि जैसे कि मान लो वुलन क्लोथ्स है वुलन क्लोथ्स की डिमांड जो कंजप्शन आती है जो डिमांड होती है नॉर्मली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी चार महीने होती है लेकिन इनकी प्रोडक्शन जो होती है वो सारे साल होते हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सारे साल प्रोडक्शन होती है तो सारे साल प्रोडक्शन करके हम लोग उसको कहाँ पर संभालेंगे राइट तो उसको ताकि हम जैसे एक बल्क में डिमांड आए हम एकदम बल्क में वो गुड्स प्रोवाइड कर दें और प्रॉफिट कमाएं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है वेयर हाउसिंग वेयर हाउसिंग मतलब आप इसको अदर वर्ड्स में कह सकते हो गोदाम गोडाउन मीन टू से गोडाउन के अंदर क्या होता है हम सारा का सारा सामान क्या करते हैं प्रोडक्शन करके स्टोर करते रहते हैं और जैसे बल्क में डिमांड आती है अपने आप अप सामान उठा कर एकदम सेफ वहाँ पर करते हैं शिफ्ट कर देते हैं और कस्टमर उसको यूज़ कर लेता है तो वेयर हाउसिंग ने किसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी हमारी टाइम की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी फोर्थ हमारे पास आता है दैट इज़ इंश्योरेंस इंश्योरेंस क्या करता है इंश्योरेंस <kuh> अब आज जो टाइम है वो लार्ज स्केल बिजनेस के टाइम है ठीक है जी बिजनेस लार्ज स्केल पर भी चल रहे हैं स्मॉल स्केल पर भी चल रहे हैं अब सामान को ट्रांसपोर्ट भी किया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह सामान को ट्रांसपोर्ट भी किया जा जा रहा है हो सकता है किसी स्थान पर सामान की ए, किसी ए, किसी इंस्टान्स पर सामान क्या हो जाए डैमेज हो जाए चोरी हो जाए कोई नेचुरल कैलॉमिटी की वजह से खराब हो जाए तो नंबर ऑफ रिस्क आर देयर ऑफ नंबर ऑफ आ, रिस्क ऑफ लॉसेस आ रहे थे अब रिस्क है ना लॉस के तो इस अब हर बिजनेसमैन लॉस से भी डरता है तो इस तरह के लॉस के रिस्क को किसने दूर किया इंश्योरेंस ने इंश्योरेंस कंपनी इस बात की गारंटी देती है कि अगर किसी स्टेप पे कंपनी को नुकसान होता है तो वो नुकसान कौन पूरा करेगा इंश्योरेंस कंपनी पूरी करेगी फिफ्थ इज बैंकिंग अब बिजनेस की एक्टिविटी सेल और परचेज की एक्टिविटी के अंदर फाइनेंस एक मेजर रोल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ठीक है जी राम मेटल के खरीदने से लेकर डेटर से पैसे कलेक्शन करने तक एक बहुत बड़ा सर्कल होता है जिसको पूरा करके कंपनी के पास पैसा आता है मतलब कंपनी एक बहुत जो पैसा इन्वेस्ट करती है माल को सामान को बनाने में स्टॉक को बनाने में तो उसके पास पैसे की रिकवरी बहुत लंबे टाइम के बाद होती है राइट पहले सामान के लिए राम मेटेरियल खरीदा जाएगा उसके बाद उसको मशीनों पे इसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे फिर उसको पेरा उसके अंदर स्टोर करेंगे फिर धीरे धीरे उसको सेल करेंगे उसे डेटर बनेंगे डेटर से दो महीने बाद तीन महीने बाद पैसा कलेक्ट करेंगे नंबर ऑफ स्टेप्स आते हैं तो पर पर बैंक जहाँ पर जो बिजनेस को क्या चीज की जरूरत है फाइनेंस की जरूरत है ताकि वो सर्वाइव भी कर सके और बिजनेस को लंबे बड़े लेवल तक चला भी सके तो यहां पर कौन उसकी हेल्प करता है बैंकिंग राइट बैंक उसकी मदद करता है तो ये प्रॉब्लम किसने सोल्व करी फाइनेंस से रिलेटेड बैंक ने नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट क्या है आज का टाइम जो है वो कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन का टाइम है राइट right. कंपटीशन के अंदर क्या होता है कि आज के टाइम में बिजनेसमैन जो वो बैठ के अपनी शॉप पे या अपनी फैक्ट्री में सामान बना दिए और वेट करे कि कस्टमर उसके पास आए वो उसका सामान डिमांड करे और कस्टमर को सामान सेल कर दे नो इट इज़ वेरी लेंथी प्रोसेस ये इतना आसान नहीं है बड़ा लंबा प्रोसेस है और इसमें कंपनी की सक्सेस भी इंश्योर नहीं होती तो कंपनी चाहती है कि कंपनी के सामान जो बना रही है उसके सामान की वो इंफॉर्मेशन कस्टमर तक पहुँचाए कि जो कस्टमर को रिक्वायर्ड सामान चाहिए वो कंपनी उसको बना रही है और अच्छे रेट सही रेटों पर अच्छी क्वालिटी का सामान उसको टाइमली प्रोवाइड कर सकती है मीन टू तो से कंपनी वॉन्ट टू तो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर प्रोडक्ट टू तो द पोटेंशियल कस्टमर कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में अपने कस्टमर को पोटेंशियल कस्टमर को इन्फॉर्म करना चाहती है और ये काम कौन कर रहा है एडवर्टाइजमेंट Advertisement. एडवर्टाइजमेंट की हेल्प से क्या करती है कंपनी इस पोजीशन में आ जाती है कि वो अपने सामान की जानकारी अपने गुड्स की जानकारी अपनी सर्विसेज की जानकारी अपने पोटेंशियल कस्टमर तक दे देती है जिससे कस्टमर को जिस कस्टमर को उस चीज़ की जरूरत है वो कंपनी तक पहुँच जाता है सो so, एडवर्टाइजमेंट्स और आज, आज के जो आज का जो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में एडवर्टाइजमेंट्स प्ले अ वाइटर रोल फॉर द सक्सेस ऑफ ए कंपनी सो होपफुली माई डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को कॉमर्स के बारे में समझ में आया होगा आज की इस वीडियो में हमने ट्रेड सॉरी आज की इस वीडियो में हमने ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड के अंदर जो हमने सिक्स पार्ट्स थे वो सारे कंप्लीट कर लिए इसी के साथ हमारा जो है टॉपिक एक टॉपिक खत्म हो गया है दैट इज़ दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस एक्टिविटी बिजनेस एक्टिविटी को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था इंडस्ट्री वो लास्ट टॉपिक लास्ट में हम कर पहले कर चुके हैं और कॉमर्स कॉमर्स के अंदर ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड हमने फिनिश कर लिया है इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिफ्रेंशिएट क्रिएट करूँगा बिटवीन इंडस्ट्री कॉमर्स एंड ट्रेड उसकी एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे राइट विद दिस दिस टॉपिक विल कंप्लीट होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी एट लास्ट आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू